देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। आप जानते हैं कि इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं कि किसको क्या दिक्कत है, उस पर मैं नहीं जाना चाहती। इस वक्त जो समस्या सामने है, ये कांग्रेस पार्टी की समस्या बन गई है, क्योंकि ये देश की समस्या है, देश की बेरोजगारों की समस्या है। ये वो बेरोजगार है जिन्होंने अपने हाथों में "मैं भी चौकीदार" लिखा था एक समय पे, याद है आपको, और तमाम अपनी तस्वीरें डाली थी, पोस्ट डाले थे। लेकिन आज जब वो सड़कों पे हैं, तो हम उनको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, मुझे बताइए। अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाएगी। और मुझे तो बड़ा दुख होता है, मैं देख रही थी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी को, जो तमाम फायदे गिना रहे हैं और कैसे, मतलब किस एरोगेंस के साथ वो बात कर रहे हैं। वो फौज में ठीक है, लेकिन जब आप देश को संबोधित करते हैं ना, चाहे आप सरकार के नुमाइंदे बन के ही कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कि उनको क्या अधिकार है ये कहने का कि ये जो बच्चे हैं इनको हम नहीं लेंगे। आज मैंने जनरल वीके सिंह को देखा, एक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि, हंस हंस के बोल रहे थे कि इनको ले कौन रहा है, मतलब वो है कौन, हु इज ही टू इवन से समथिंग लाइक दिस। अगर हमारे बच्चे आज सड़कों पे है, ये देश उनका है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब ही है कि सरकार भले ही हम चुनते हैं, मगर हम जो चाहते हैं उसे सरकार को सुनना पड़ता है। मगर इसका ध्वस्तीकरण तो वहीं पे शुरू हो जाता है जब हम मोदी जी की बात करते हैं। अभी राजीव जी कह रहे थे कि किसान नहीं समझ पाए किसान कानूनों को, तो मैं इनमें दो तीन चीजें और भी जोड़ देती हूँ। तीर्थ पुरोहित नहीं समझ पाए थे इनके देवस्थानम एक्ट को उत्तराखंड में, श्रमिक नहीं समझ पाए श्रम कानून को, लेकिन क्योंकि कोरोना चल रहा था उस वक्त ज्यादा उस पर बवाल नहीं हुआ। CAA को लेकर जब ये आए, तो हमारे जो मुसलमान बहनें और भाई हैं वो नहीं समझ पाए। तो इनको तो ना हिंदू समझ पाते हैं, ना मुसलमान समझ पाते हैं, ना युवा समझ पाते हैं, ना कोई समझ पाते हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि मोदी जी किस अहंकार से, आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन के समय में ये कहा गया कि सबके फोन रख दिए गए। वित्त मंत्री राहुल जेटली, वो जेटली जी, अरुण जेटली जी का, राहुल जी किस तरह से फोन उनका भी बाहर रखा गया, मतलब सबका, किसी को भी आप देख लीजिए, अगर किसी को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया। अब क्या कहा जा रहा है इस मैटर में कि जनरल वीके सिंह का पहला बयान आया, उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में नहीं पता, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन इट। अब वो फौज से, फौज के एक अधिकारी रिटायर हुए, इतने बड़े ओहदे से रिटायर हुए, 62 साल की उम्र में 6 महीने के एक्सटेंशन के लिए जो कोर्ट गया, उसने ये कह दिया कि मेरे को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। पहला सवाल ये होता है, क्या मोदी जी सब कुछ जानते हैं? उन्होंने किसके साथ मिलकर ये सारा कुछ किया? यानी कि उन्होंने निर्देश दिए फौज को, और फौज ने एक खाका तैयार किया, उनसे बातचीत करी, उसके बाद उसको अनाउंस कर दिया। जनरल वीके सिंह को देखिए, कहते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, और दूसरी तरफ ज्ञान बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कौन है, हम इन्हें ले कहाँ रहे हैं। उधर राज्यवर्धन राठौर सामने आ जाते हैं, जानते हैं उनके बयान में क्या था, मतलब इनके इनके ऊपर आप हंसो या आप क्या करो समझ में नहीं आता, गुस्सा आएगा या हंसी आएगा। राज्यवर्धन राठौर ने ये कहा कि जो जो विधायक और सांसद रिटायर होता है उसको 7-8 हजार रुपए मिलते हैं, मतलब सोचिए कि क्या बोल रहे हैं वो, मतलब ये सब पब्लिक डोमेन में है और आप किसको बेवकूफ बनाने चले हैं? क्या आप पेंशन नहीं लेते फौज से? जो पेंशन ले रहा फौज से, वो बता रहा है कि पेंशन नहीं लेने से क्या देश को फायदा होगा, ये भूल जा रहा है कि जिसको पेंशन नहीं मिल रही है वो फौज में जब जाएगा। अब आ जाते हैं उस पे कि 4 साल में क्या होगा, 4 साल में बहुत सारी बातें सबने गिनाई है, उसके अलावा भी 4 साल में जो बच्चा जाएगा, 2 साल में वो ये सोचने लग जाएगा कि अगले 2 साल में मैं कुछ तैयारी कर लेता हूँ, मेरे पास पैसे बहुत है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत हाई हो चुका होगा, उसके लिए तो जब छोड़ेगा तो 14 लाख रुपए कुछ भी नहीं होंगे। 14 लाख रुपए से वो 40 हजार रुपए जो कमा रहा होगा, वो तो ये सोच रहा होगा कि भाई अब मैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाकर कैसे रखूं, और ये मानवाधिकार है। और जब वो बाहर आएगा तो ही विल बी फॉर पीपल हु वांट टू मिसयूज देम। और सच्चाई ये है कि इन बच्चों बच्चों के अंदर इतनी परिपक्वता नहीं होगी, फॉरगेट कि उनके अंदर देशभक्ति तो कितनी होगी, क्योंकि आधा टाइम तो वो ये सोच रहे होंगे कि 2 साल हो गए, अब तो 2 साल बाद निकलना है, कोई कोर्स ही कर लेते हैं।
आपने देखा नहीं क्या फौजियों को, फौजी करते हैं कोर्स, जो फुली कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं वो भी कोर्सेज करने लगते हैं कि मैं VRS ले लूंगा या लेफ्टिनेंट कर्नल बन के मैंने रिटायर होना है तो मुझे कोई कार्य करना है। उसी प्रकार से ये बच्चे भी तो अपनी तैयारी करेंगे, इनके अंदर जो जोश होगा उसको मिस यूज करने का जो एक रास्ता है वो इस योजना से लोगों को मिल रही है। परमानेंट कमीशन में आप जानते हैं ना कि मतलब आप लंबे टाइम के लिए रहते हैं, लेकिन जो 5 years वाला कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, उसमें भी अगर आप देखेंगे कम उम्र के लोग तो नहीं जाते, थोड़ी ज्यादा ही होती है उनकी उम्र भी, तो वो भी थोड़े और परिपक्व होते हैं। माँ आप मुझे बताइए कि 17.5 साल का बच्चा अगर क्लियर कर रहा है तो आज वो 15-16 साल की उम्र में तैयारी कर रहा है। जिस बच्चे की बात अभी हरिकेश जी कर रहे थे, प्रदीप मेहरा, आप बताइए उसके सपनों को चकनाचूर नहीं कर दिया? अगर आपने आपने कोई कोई स्कीम लानी थी तो क्या कंसल्टेशंस नहीं होने चाहिए थे? क्या ये लोकतंत्र नहीं है? क्या मोदी जी को सब कुछ आता है? मोदी जी को पता है कि किसान के लिए बहुत क्या अच्छा है, उन्हें पता है माइनॉरिटीज के लिए क्या अच्छा है, उन्हें पता है श्रमिकों के लिए क्या अच्छा है, तीर्थ पुरोहितों के लिए क्या अच्छा है, अब उन्हें पता है कि जी सैनिक सेना के लिए क्या अच्छा है। और आपने सुना इन लोगों को कैसी बेवकूफी भरी बातें बोलते, कह रहे हैं कि इसराइल में भी होता है, तो हम इसराइल बनना चाह रहे हैं क्या? हमारी पॉपुलेशन क्या US जैसी पॉपुलेशन है? हमारी पॉपुलेशन देखिए, और सब कॉन्टिनेंट में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो जियो पोलिटिकल एंगल से भी आप देखेंगे तो हमारी सेना को सशक्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे बिल्कुल आसपास के सबके सेनाएं बहुत सशक्त और मजबूत है और वो हमेशा इसकी ओर कोशिश करते हैं। चाइना से आप किसको लड़ाएंगे? हमारे इन बच्चों को? अभी जो आप बात कह रहे थे वो तो पॉजिटिव बात कह रहे थे हरिकेश जी, मैं नेगेटिव बात भी कहना चाहूंगी कि दूसरा एंगल देखिए, वो बच्चा कहेगा कि मैं मर क्यों जाऊं, मतलब 4 साल की नौकरी है, मेरे घर वालों को कौन देखेगा? कोई देखने वाला नहीं है, उनकी देखभाल कोई नहीं करेगा, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, कैंटीन की फैसिलिटी उनको जिंदगी भर पहले कहा गया कि नहीं मिलेगी, अब मैं सुन रही हूँ कि कह रहे हैं कि शायद मिल जाएगी, लेकिन कैंटीन की फैसिलिटी हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके लिए सीट्स रिजर्व नहीं होंगी, ये सारी चीजों को आप देखिए। और सरकार पैसे किसके लिए बचा रही है? अब इस पे सवाल ये आता आखिरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसे है ना इस वक्त, बड़ा बखान करते हैं, ये पैसा सबसे ज्यादा इनकी पार्टी में है। जब प्रधानमंत्री बने हुए हैं नरेंद्र मोदी तो उनके खर्चे भी तमाम बहुत ज्यादा हैं, मगर क्या देश ऐसे चलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को हमें अमीर बनाना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमें चौकीदार तैयार करने हैं? भले ही बच्चों ने लिख दिया होगा मैं भी चौकीदार, लेकिन क्या हम उन्हें कुएं में कूद जाने दें? ये बच्चे हमारे भी है। एक और बयान आपने सुना होगा किशन रेड्डी का, किशन रेड्डी ने क्या कहा कि हम अग्निवीरों को इलेक्ट्रिशियन की, ड्राइवर की, बाल काटने की, कपड़ा धोने की ट्रेनिंग देंगे। बताइए मुझे जो उनके लिए उपयोगी होगा, मतलब आप बच्चों को धोबी ड्राइवर ये बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पकोड़ा पहले तलने के बारे में बता चुके हैं, नाली में से गैस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, मगर हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देश 1947 से सिर्फ आगे बढ़ता गया। हम अपने लोगों को जागरूक करते गए, उनको कहते रहे कि जागरूक हो, अंधविश्वास में मत पड़ो, पढ़ाई लिखाई करो, अपने आप को बेहतर करो, और आज ये सरकार इनको गर्त में डालना चाह रही है तो ये हम नहीं देख सकते और इनके विरोध में खड़े रहेंगे और ये कानून नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।